जय माता दी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस 6 बज रहे हैं सुबह के और निकल लिया घर से अब वापस जाने के। आशीर्वाद दे रहा। कैब नहीं आ रही गाइस, तो ऑटो करेंगे अब बाहर जाके। चलो पापा चल रहे हैं छोड़ने के लिए। चलते हैं अभी ऑटो लेते हैं, उसके बाद स्टेशन पे दोस्त भी आ रहा है तो मिलवाएंगे उससे। गाइस पहुंच चुके हैं नई दिल्ली स्टेशन, अभी चलते हैं अंदर। और दोस्त वगैरह भी आ रहा है तो चलते हैं, देखते हैं कौन से नंबर पे प्लेटफॉर्म पे आएगी अपनी ट्रेन, ढूंढते हैं फटाफट। चलो ये देखो भाई साहब, किसी का बच्चा खो गया। ये बच्चे नाम क्या है आपका? आपका नाम लोग रख बता दो। आपका नाम क्या है? बताता हूँ, लोग तो रखे। भाई साहब बच्चा खो गया, किसी का खाने के लिए दिया मैंने अभी भाई को। अच्छा नहीं लगता ना, मासूम सा बेचारा स्टेशन पे इधर उधर घूम रहा हो। खा ले भाई आराम से खा ले। भाई पपीता है उसमें, पता है? हेलो, पपीता है उसमें, अच्छा रहेगा भाई, दो दिन तक और रुक सकता है यहाँ पर। पपीता ही है। तो गाइस हमारी ट्रेन 7:10 की अब आ रही है 9:10 पे, 2 घंटे लेट हो चुकी है। पहले आधा घंटा दिखाई थी, फिर 1 घंटा हो गया, फिर 1.5 घंटा हो गया, फिर अब 2 घंटे हो गए हैं। तो इस खोए हुए बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, भाई को थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, भाई थोड़ा हमें सपोर्ट कर रहा है। ट्रेन गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बाकी देखो अब कब तक आती है। अभी शायद और लेट होने की संभावना है, पर देखो क्या होता है। अभी तक तो ट्रेन का नंबर भी नहीं आया है, कोई और नंबर चल रहा है। गाइस हमने अम्बाला के एंड पे छोले कुलचे लिए थे और बहुत अच्छे थे गाइस, बाकी आप भी देख लो। हम निकल चुके हैं अम्बाला से। सो गाइस पहुंच गए हैं चंडीगढ़, ये रहा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। और गाइस इस ट्रेन का कालका पहुंचने का टाइम था 12:10 शायद, 12:10 से 12:20 मान लो। और ये अभी यहाँ पर चंडीगढ़ पहुँची है 2:45, मतलब 3 घंटे लेट है ट्रेन। और बेचारा राकेश 11 बजे पहुँच गया था कालका स्टेशन पे, अभी भी वो बेचारा वहीं बैठा हुआ है हमारा इंतज़ार कर रहा है। इतना है क्या, वो बेचारा इंतज़ार कर रहा है स्टेशन पे। अब तो उसका फ़ोन उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है, बार बार फ़ोन कर करके पूछ रहे कि भाई कहाँ पहुँच गए कहाँ पहुँच गए। तो बस निकल गई है, वैसे भी चलने वाली है ट्रेन, तो अब आपको वहीं जाके बात करेंगे। और बीच रास्ते गाइस छोले कुलचे लिए थे, छोले कुलचे बहुत बढ़िया थे गाइस। और चल गई है गाइस ट्रेन, ये देखो लिटल लिटल पता चल रहा होगा। और सिद्धार्थ उसको कोच में बैठा, उसको भी फ़ोन करके बुलाता हूँ इधर। तो गाइस कालका पहुँच चुके हैं और ये अपना बैग ही संभालने में लग रहा है भाई। वो देखो वो कूली आ रहा है हमारा। अरे बैग उठा रे, बैग उठा हमारा। भाई नहीं है राकेश, वो भाई तनिष्क का, ये कहाँ से चोरी करके ला रहा है, कहाँ से चोरी करके ला रहा है। अच्छा बैग को सोना चांदी ले रहा है भाई, लूटपाट मतलब बीसीए से इतना विश्वास उठ गया, लूटपाट में उतरा है ना। इधर चल रहे, चलो पिज्जा खाएंगे। सर तो अभी आए हैं हम पिज्जा खाने से, हाथ जोड़ देते हैं ये ओ भाई। ये देखो गाइस पिज्जा खा रहे हैं हम और भाई लोग भी खा रहे हैं। ये हमारे कूली है, इसे बैग नहीं उठाया भाई, बस
ऐसे मत कर भाई, मैं भी लूंगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, हम वापस आ चुके हैं चित्तारा में, और गड्ढे की वजह से ऑटो को ये लगाई। ये रहा लड़कियों का होस्टल, इसके अंदर जाने में 70,000 रुपये जुर्माना है, और गोरी चित्तारा की बोर्डिंग। ये बाहर से अच्छा लगता है ज़्यादा गाइस, जहाँ पर हम पिट भी चुके हैं एक बार। कहाँ पिट चुके हो, पागल है क्या, झूठ बोलता है? यस झूठ बोलता है भाई, ये लड़का ही खुद पीटा हुआ है। ये देखो भाई बस आने ही वाला है, आपको दर्शन कराते हैं। हमारे स्वागत के लिए लोग बुलाए हैं हमने गेट पे। क्या वो लोग आएंगे राकेश? राकेश क्या वो लोग आएंगे? भैया अंदर ही ले लो, एक काम करो अंदर खींच दो, एकदम खींच दो अंदर। गाइस आ चुके हैं वापस यूनिवर्सिटी में, और ये दोनों जा रहे हैं। चले नहीं भाई तुम मेरे साथ, अच्छा नहीं करा भाई तुमने। हेलो गाइस, फाइनली वी आर बैक एट हॉस्टल, और ये भैया हमारे खो गए थे, हम इनको साथ में ही ले आए हॉस्टल में। ये बेचारा बच्चा खो गया था, हमने कहा इधर उधर घूमता फिरेगा, हमने कहा चल साथ में चल, तू हॉस्टल चल, कल भाई को हम छोड़ आएंगे बाहर, ठीक है? हैप्पी है ना? कमरा ले दिया मैंने भाई को बाहर, भाई हॉस्टल छोड़ रहा है, दुख हो रहा है मुझे इस बात का, पर भाई की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। यस क्या क्या मिटा दे, दुख मिटा दूं तेरा। तो गाइस अभी उठे हैं, और एक रोमांचक मैच चल रहा है। दोपहर में आके सो गए थे, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि लेट हो गए थे ना दोपहर में। सुबह 12 बजे पहुंचनी थी ट्रेन, और 4 बजे पहुंची थी, 4 घंटे लेट थी। तो बस गाइस अभी मैच चल रहा है एकदम रोमांचक, क्योंकि हैदराबाद की टीम ने 270 का टारगेट दिया, 277 का, और अब मुंबई को चेस करना है। तो देखते हैं मुंबई चेस कर पाएगी कि नहीं, कर लेगी क्योंकि ईशान किशन भाई हमारा आउट हो चुका है। अब सारा गेम रोहित शर्मा पे है, और कमेंटेटर सेकंड ओवर से बोलते आ रहे हैं हार्दिक पांड्या के लिए कि बुमराह को उतारो, पर हार्दिक पांड्या बुमराह को उतार ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं छक्का होगा, छक्का आउट, रोहित शर्मा गया गाइस। अब तो मुश्किल ही है गेम जीत पाए। हो गया बंद, देख रहे हो गाइस एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ वापसी उतरी है हमारी एमआई की टीम, हमारी क्या देश की टीम अंबानी की। मेरे को तो कुछ घपला लग रहा है, अंबानी ने पैसा दिया ज्यादा एसआरएच को जितवाने के लिए टीम को, भाई साहब तिलक वर्मा ने पूरी दुम्मा ठा दिया है। शर्मा जी का लड़का नहीं चला, वर्मा जी का लड़का चल गया। अरे वर्मा भाई सब मुंबई का ही है, मेरे को तो लग रहा खरीदी है भाई। देख अंबानी की वाइफ नहीं दिख रही, खरीदने गई है पक्का। बैठी है मेरे को तो बेटा ही दिख रहा है, बगल में है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है पर टीम खरीद ली है हमने, ऐसा मेरे को लग रहा है, बाकी तो देखते हैं आगे क्या बनता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पांड्या आउट होने वाला है गाइस। पांड्या आउट होगा, इसी बॉल पे आउट होगा, देखना गाइस लाइव चल रहा है, झूठ नहीं कह रहा ये। देखो लाइव चल रहा है, देखो इसी बॉल पे आउट होगा। ये बस गया कर लेते हैं ना गाइस, हमारी प्रिडिक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। देखो लाइव पे बताया है, दिखा दे भाई ये देख, ये देखो लाइव चल रहा है, लाइव पे बोला मैंने, देख रहे हो कि नहीं तगड़ी प्रिडिक्शन है मेरी। अगर सट्टा उट्टा खेलना है तो नमन को बताओ, आउट हो गया ना गाइस, ले आउट। तो गाइस जैसे कि पता था मुझे, हैदराबाद ने इतना महंगा 20 करोड़ का ये प्लेयर लिया पैट कमिंस, इनको जीतना तो था ही, और ये जीत चुकी है। बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा गाइस, आज का व्लॉग अब यहीं एंड होता है, अब हम सोने जा रहे हैं। सही आ रही है फोटो, सही आ रही है। तो गाइस बस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मुझे इंस्टा फॉलो करना। बस गाइस अब आपसे कल मिलेंगे, जय माता दी।